Do you want to know? हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। तो आपका भाई मनराज फिर से आ चुका है एक नई वीडियो के साथ। आज हम आए हुए हैं गंगागंज, और गंगागंज का नाम गंगागंज ही क्यों पड़ा इसको हम दिखाने के साथ साथ बताएंगे भी आपको। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं और बताते भी हैं। एक ऐसी हवेली जो कि अपने आप में गुमनाम हो गई है। जी हाँ, हम आपको एक ऐसी हवेली के बारे में दिखाने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले के गंगागंज में है, जो कि सन 1860 में निर्मित की गई थी, जिसके बारे में रायबरेली ज़िले के लोग अनजान हैं, जिससे यह हवेली अपने आप में एक गुमनाम इमारत हो चुकी है। ये हवेली गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जी की है, जो इस हवेली के कुंवर हैं। इन्हीं से इस क्षेत्र का नाम गंगागंज से विख्यात हुआ। इनकी पत्नी का नाम ठकुराइन कमलापति कुंवर था। ये रायबरेली ज़िले से पश्चिम 10 किलोमीटर लखनऊ रोड पर बसा हुआ क्षेत्र है। तो आइए हम आप सभी को दिखाते हैं हवेली का दृश्य। वाकई में ये अपने आप में एक खूबसूरत इमारत है। तो आप सब ये शॉट्स देखिए। ये इस हवेली के बाहर का नज़ारा है, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे एक शंकर जी का मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें शिवलिंग की स्थापना की गई है। इससे यह मालूम पड़ता है कि उस समय भी भगवान शंकर की पूजा पूर्णता हो रही थी। ये इसके आसपास का नज़ारा है। वाकई में यह हवेली अपने आप में बहुत ही
सुंदर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।